एंटागोनिस्टिक मसल्स किसे कहा जाता है? इससे बिफोर हमने पढ़ा था अबाउट डिफ्यूज नर्वस सिस्टम और सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे अबाउट एंटागोनिस्टिक मसल्स, यानी कि डिफ्यूज नर्वस सिस्टम क्या होता है, सेंट्रलाइज यानी कि डिफ्यूज नर्वस सिस्टम कहाँ पर मुश्तमिल थे। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल थे, और ये जो यानी कि सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम है ये न्यूरॉन्स के बने हुए जाल पर मुश्तमिल था। और इसमें जो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है इसमें क्या होता है, यानी कि डिफ्यूज नर्वस सिस्टम में खास किस्म के हिस्से ज़्यादा पाए जाते हैं और सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम में कोई खास किस्म के हिस्से ज़्यादा नहीं पाए जाते। ये है मतलब डिफ्यूज नर्वस सिस्टम और सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम के दरमियान डिफरेंस। और नाउ वी टॉक अबाउट एंटागोनिस्टिक मसल्स। ओके लेट्स स्टार्ट। एंटागोनिस्टिक मसल्स ऐसे उजला जो मुखालिफ हरकत पैदा करने में मदद देते हैं, और इनमें एक तरफ कंट्रेक्शन का अमल होता है जबकि दूसरी तरफ रिलैक्सेशन का अमल होता है। यानी कि एंटागोनिस्टिक मसल्स उन उजलात को, हमारे जिस्म के अंदर कई कई किस्म के उजलात पाए जाते हैं, हमारे जिस्म में बहुत से उजलात हैं हर जगह पाए जाते हैं, और जितने भी जोड़ों में पाए जाते हैं वो उजलात जो हमारे जोड़ों हमारे जिस्म के अंदर जोड़ों में पाए जाते हैं इनको हम एंटागोनिस्टिक मसल्स कहते हैं। और यानी कि वो उजलात जहाँ पर एक ही वक्त में कंट्रेक्शन और रिलैक्सेशन का अमल होता है, वो उजलात जहाँ पर एक ही वक्त में कंट्रेक्शन और रिलैक्सेशन का अमल होता है इसको हम क्या कहते हैं, एंटागोनिस्टिक मसल्स के नाम से जानते हैं। यानी कि ऐसे उजलात जो मुखालिफ हरकत पैदा करने में मदद देते हैं, और इनमें एक तरफ सुखला और एक तरफ कंट्रेक्शन का अमल होता है, एक तरफ रिलैक्सेशन का अमल होता है, इनको हम एंटागोनिस्टिक मसल्स कहलाते हैं।